हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एन अजो व्लॉग एंड एन अजो वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग है फैमिली व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे जो है वो पार्टी में, हमारी जो है वो फैमिली गेट टुगेदर थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। और ये देखिए, ये नेवी कॉलोनी है जो कि गुलशन हदीस से थोड़ा सा मतलब पहले आती है। तो ये नेवी कॉलोनी है और ये बड़ी ही कोई खूबसूरत सी कॉलोनी है। बच्चे तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। घर में कोई नहीं दिखता, सारे बच्चे बाहर जो है वो खेलने में ही मसरूफ़ होते हैं, पार्क्स वगैरह के एरिया में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं। और ये मेरी खाला और खालू का घर है और यहाँ पे अक्सर गेट टुगेदर पार्टीज़ जो है वो होती रहती हैं। और ये सबको बुलाते रहते हैं और फैमिली में जो है अच्छा लगता है कि इस टाइप का गेट टुगेदर हो, तो सबकी मुलाकातें हो जाती हैं आपस में और इन्जॉयमेंट हो जाती है, अच्छा खाते पीते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो इस दफ़ा की जो ये गेट टुगेदर पार्टी थी वो उनकी बेटी की खुशी में थी, जो है मेरी खाला की बेटी पैदा हुई है, तो उसकी खुशी में उन्होंने ये गेट टुगेदर की पार्टी रखी थी। और आप देख सकते हैं हर कोई जो है हर तरफ मसरूफ़ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ मेहमान आ चुके हैं, कुछ नहीं। और ये उनकी बड़ी वाली जो बेटी है साहबजादी, वो अपना जो है वो मेकअप करने में मसरूफ़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने में मसरूफ़ है। तो चले आप भी हमारे साथ देखें कौन क्या कर रहा है। और आप देख सकते हैं एक तरफ सलाद की कटिंग्स हो रही हैं और जो है वो खाने में इन्होंने जो है वो टिक्का बिरयानी बनवाई थी और मीठे में जो है वो ज़रदा मंगवाया था। और रात को जो है वो फ़िश बारबेक्यू पार्टी की थी जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त रही, यानी कि काफ़ी अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी और यहाँ मरियम अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही हैं और ये सारी जो है वो मरियम की फ्रेंड्स हैं और यहाँ सब जो है वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं। हर तरफ माहौल बना हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और सब जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी के घर जब भी गेट टुगेदर पार्टी होती है तो हम सब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि बहुत 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 मज़ा आता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है वो चिकन टिक्का बिरयानी की जो है वो देग आ चुकी है और मेरे चाचा जो हैं वो उसको मिक्सअप कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे शिफ्टें नहीं लग हमने यहाँ पे जो है ना वो खाने की शिफ्टें लगाई हैं कि जो पहले आए पहले पाए, यानी कि हमने दस्तरखान दो तीन जगह लगा दिए और हमने कहा जो आता जाए बैठता जाए और खाता जाए ताकि फटाफट जो है ना ये खाने का सिस्टम ख़त्म हो। तो बस यहाँ से कोई लेके जा रहा है और कोई कुछ कर रहा है। तो आप भी हमारे साथ चलें और देखें।
हाँ जी, तो फिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो एक के बाद एक दस्तरखान लग रहा है और सब खा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि मरियम बेगम जो है वो यहाँ पर क्लीन अप भी साथ साथ कर रही हैं, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे खाया था तो काफ़ी ज़्यादा चावल गिरा दिए थे। और अंदर जो है वो अब हमारा दस्तरखान लगा है, यानी मेरा, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, चाचा, नानू, खालू, सब जो है वो देखे बैठे हुए हैं। और अब मैं भी यहाँ आके बैठ गई हूँ, तो हमने कहा चलो अब हम भी जो है वो लंच इंजॉय करें। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना बनवाया था। अल्लाह पाक जो है वो मेरी खाला और खालू के घर में, उनके रिक्स में बेइंतहा बरकत दे। वो हमेशा हमें इस तरीके से बुलाते हैं और बहुत अच्छा अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं सबको। वो एक जैसा मतलब ट्रीट करते हैं ना, किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो बहुत मैटर रखती हैं, कि आपकी मोहब्बत जो है वो किसी एक के लिए ना हो, सबके लिए बराबर हो। माशाल्लाह वो इसी तरह के हैं। और दोनों मियाँ बीवी का भी एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ये सब कुछ मुमकिन होता है कि जब दोनों मियाँ बीवी की सोच एक जैसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन दोनों की सोच एक जैसी है। वो देना जानते हैं, लेना नहीं, खिलाना पिलाना जानते हैं, रिश्तेदारों को एक करना जानते हैं, सबको बुलाना जानते हैं। तो अल्लाह पाक उनके जो है ना इस चीज़ में जो है वो बहुत बरकत दे और उन्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ तो एक अलग ही बिल्कुल सीन सपाटा था। यहाँ हम उन्हें गिफ्ट्स दे रहे थे और उन्होंने जो है वो हमें ही रिटर्न गिफ्ट्स कर दिए, और हम सबको उन्होंने शॉक कर दिया। यकीन माने जब हम गिफ्ट देने आ रहे थे उनको, उनकी बेटी की होने की खुशी में, तो उन्होंने हमारे गिफ्ट्स तो एक साइड पे रोक दिए और उन्होंने सबसे पहले जो है ना वो रिटर्न गिफ्ट्स देना शुरू किए। माशाल्लाह उन्होंने सारी लड़कियों को और बहुओं को जो है वो 2 पीस लॉन के दिए, जो ऑल ओवर के प्रिंट्स आजकल चल रहे हैं तो उन्होंने वो दिए सबको। और जो है अपनी सारी बहनों को जो है उन्होंने 3 पीस दिए, इतने खूबसूरत सबको उन्होंने ड्रेसेस गिफ्ट किए। यानी ये सब कुछ इतना सरप्राइजली था, यानी किसी को पता नहीं था सिवाय मेरी मॉम के, क्योंकि उन्होंने ही सारी शॉपिंग आंटी के साथ की थी। तो यानी कि बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सबको जो है ना वो रिटर्न गिफ्ट्स किए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा यानी कि सरप्राइज हो गई थी देख कर कि ये क्या हो रहा है भाई, हम यहाँ गिफ्ट करें कि यहाँ से गिफ्ट हम लेके जाएं। बहरहाल इस टाइप के सरप्राइज़ वो करती रहती हैं। लास्ट एक यानी कि 1 से 1.5 साल पहले एक और पार्टी इन्होंने गेट टुगेदर रखी थी, उसमें भी इन्होंने इसी तरह सबको ड्रेसेस गिफ्ट किए थे। तब मैं जो है ना वो व्लॉगिंग्स वगैरह नहीं करती थी, तो इसलिए उसकी वीडियोस वगैरह नहीं है मेरे पास। लेकिन जो है इस टाइप की पार्टीज़ हमारे ख़ानदान में जो है ना आंटी ही करती हैं, और उनका जो है ना ये सिलसिला जो है अल्लाह पाक कायम व दायम रखे, और वो आगे भी मुझे पता है इंशाल्लाह इसी टाइप की पार्टीज़ करती रहती हैं। तो मज़ा आता है, उनका घर भी बड़ा है, बच्चे भी बाहर खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। तो यानी कि काफ़ी इंजॉयमेंट हमने किया, और सब ने अपने अपने जो है ना फिर वो गिफ्ट्स ओपन करके देखे कि किसको किस टाइप के ड्रेसेस मिले हैं। सबको बहुत अच्छे 2 पीस उन्होंने जो है ना वो ऑल ओवर के प्रिंट्स दिए थे, और सब बड़ों को जो है उन्होंने 3 पीस दिया था। यानी कि खूब हमने इंजॉय किया, बहुत हमने मज़ा किया। यानी कि कंप्लीट जर्नी देखी जाए तो बहुत इंजॉयमेंट वाली गई और बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर फिर जो है अब वो इनकी रस्म स्टार्ट हुई। अम्मी ने इनको गजरे जो है वो हाथों में पहनाए, लेकिन वो सुबह से लेके रखे हुए थे तो वो जैसे हाथ में गए सारे झड़ गए। बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी कब तक रहते हैं। बहरहाल उन्होंने जो है ना अब रस्म स्टार्ट की। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि खालू को और आंटी को जो है अम्मी ने ड्रेसेस दिए, और मुन्नी को भी प्यारा सा ड्रेस गिफ्ट किया। तो चलें आप भी हमारे साथ देखें कि किसने क्या क्या चीज़ें गिफ्ट की हैं।
इस तरह का हमारा आज का दिन जो है वो इख्तिताम पसीर होने वाला है और हमने जो है काफ़ी इंजॉय किया और आप देख सकते हैं कि बच्चों ने बड़ों ने सब ने जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और ख़ासकर मेरी बेटी ने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। उन्हें तो है वो बिल्कुल भी मतलब परवाह नहीं थी कि उनकी मम्मा कहाँ हैं क्या कर रही हैं, वो मज़े से कभी किसकी गोद में घूम रही हैं कभी किसकी गोद में घूम रही हैं। बच्चे भी बाहर जो है वो खूब इंजॉयमेंट कर रहे थे खेल कूद रहे थे। और देखें यहाँ पे इनकी जो है ना वो कोई पिक्चर्स क्लिक कर रही थी मेरी सिस्टर और मैं यहाँ पे साथ साथ जो है ना वो वीडियो भी बना रही थी इसकी सब बच्चों की। तो यहाँ पे जो है ना वो सारे बच्चे जो इंजॉय कर रहे थे और मरियम भी इन बच्चों के बीच में बिल्कुल छोटी सी बच्ची ही लग रही है। बहरहाल बहुत अच्छा दिन गुजरा आज का, हमने बहुत इंजॉय किया बहुत मज़ा किया। आई होप कि इस टाइप की वीडियोज़ में आगे भी मज़ीद डालती रहूँ। और फिर हमारी फ़िश पार्टी थी लास्ट रात को, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने बड़ी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।